आज हम गेमिंग टेस्ट करेंगे वन प्लस नॉट सी ई थ्री लाइट 5G में जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है बिजर के प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और इसमें जो हम गेम प्ले करेंगे वो है असफाल्ट 8, असफाल्ट 9, फ्री फायर, पबजी न्यू स्टेट और कॉल ऑफ ड्यूटी। और ये जो मेरे पास वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वेरिएंट है। और इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो स्नैपड्रैगन 695 जो एक 5G प्रोसेसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हम गेम प्ले करेंगे वो है असफाल्ट 8, उसके बाद हम असफाल्ट 9 को प्ले करेंगे। ऐसे ही कर करके धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज हम करते चला जाएंगे। ये खेलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है शायद, आई थिंक। ये देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वाह। ग्राफिक्स मतलब अपने आप में बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे और साउंड को बंद करना पड़ेगा। सॉरी रीजन ये है भैया कि इसमें कॉपीराइट का थोड़ा चांसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल में चले जाते हैं और मेरे को सेंसिटिविटी चाहिए होता है कम से कम 90। आप लोग अपने हिसाब से सेटिंग रखिएगा। ये हो गया चालू। ये देखो, ये देखो पहला शुरुआत, ये देखो दूसरा शुरुआत और तीसरा। यार देखो यार ऐसे मत करो जी। अरे रे 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 भैया। हाँ ये देखिए चौथा, पांचवा भी आएगा। और ये रहा पुरन छू। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और ये कार पर गिरा मैं, और ये दूसरे नंबर को भी बीट करते हुए निकल जाना है आगे। अब एक बंदा और बचा हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट जीत। ये लो भाई आप भी, और काफ़ी करीब में जाकर के जो है बच गया यार। मर जाना यार तू। लीजिए भैया जी, हम आ गए हैं एक नंबर में। और गेम का स्मूथनेस अगर बोला जाए सिंगल वर्ड में, अलग लेवल का है। ये ड्रैगन भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बाय 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 बाय। अभी देखिए हम कैसे भी गोल गोल नाचेंगे अभी। ये देखिए भैया गोल 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 दो बार कम से कम हो गया। अब जीतने से रहा वो लोग। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाकई काफ़ी ज़बरदस्त। अरे कहाँ जा रहे हो? वाह, अरे कहाँ जा रहे हो यार? उधर मैप के हिसाब से देख लीजिए, काफ़ी पीछे है वो लोग। और अगर उड़ के अगर ऊपर से आपको जाना हो अगर गलती से, तो यहाँ से उड़िए और जब नहीं पहुँच पाइए तो बीच में घुस जाइए। ये देखिए छोर से फाड़ते निकल जाइए। और ये देखिए स्मूथनेस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। रोड छोड़ के कहाँ चला रहा है यार? रोड पे आप पहले ये देखो, ये रहा बूस्टर, गजब काम कर रहा है इसका। वो तो सारे गेम में काम करेंगे, वो खेलने के ऊपर में है। बाकी हम भैया जीत चुके हैं। यहाँ पर है टर्निंग, ब्रेक लीजिए, ऐसे स्कर्ट कीजिए और ऐसे अगर आपको करते जाना है तो ऐसे करते चले जाइए। और आ गए हम एक नंबर में। तो असफाल्ट 8 यहाँ पे बिल्कुल जो है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब इसमें हम जो गेम प्ले करेंगे वो है असफाल्ट 9। ये देखो क्या ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए अपने हिसाब से। ये ठीक है। अब मेरा सेटिंग्स जो है लगभग समझिए कि ठीक ठाक हो गया है। और यही है कि स्पीड में थोड़ी सी बढ़ोतरी चाहिए। अरे मर जाए यार एक दो। अगर ऐसे करोगे आप तो फ़ायदा यही होगा कि आपको थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिलेगा। ये देखो गेमिंग का स्मूथनेस। बस भैया उतार दो सही से। चार नंबर, मर जाए यार। गलत टाइम पर यार बूस्टर ख़त्म हो जाती है। जो भी हो तीन नंबर पे आ गए हैं, फिर से एक बार खेलना पड़ेगा। इज्जत का सवाल है। ये लो यार पहला नंबर। ये कहाँ गया दूसरा? ऐसे तो एक नंबर आने से रहे हम। तो बढ़ गया है
ये लीजिए दूसरा, एक नंबर आगे जा रहे हैं भाई साहब बहुत स्पीड में। अरे हम भी आए, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। अरे 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 लीजिए ना, एक आए ना दो आए, सीधा चार नंबर आ गया। ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो इसमें आप मैक्सिमम अल्ट्रा पे खेल सकते हैं और हाई रिफ्रेश रेट को आप कर सकते हैं, शैडो को ऑन कर सकते हैं। तो अच्छा प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, तो इसको हम मैक्सिमम पे ही प्ले करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट होता है 120 हर्ट्ज़ पहले से सेट करके रखा है और स्मूथनेस यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ये देखिए पहले बार जो है हमने उद्घाटन कर दिया, जो भी आएंगे सबको मारते चला जाना, छोड़ना किसी को नहीं है। बाकी स्मूथनेस वगैरह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। छोटे मोटे जब फ़ोन में चल जाता है तो इसमें तो बिल्कुल अच्छा चलेगा, लेकिन यहाँ पे हो गए हम समाप्त, दूसरा गेम यहाँ पे शुरू हो गया है। वाह बहुत मज़ा आएगा खेलने में। मर जा यार तू, ऐसे क्यों कर रहा है यार। तो गेमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छे प्लेयर हैं आप तो यहाँ पे आप जो है भूत बना देंगे सबको मार के। घर में भी यहाँ पे है यार चैन नहीं है, सुकून नहीं है, बाहर भी सुकून नहीं है, मतलब एकदम से तालिबान बना के रखे हुए सब। एक दो तो मर जाए यार सही से। वाह वाह हाई सेटिंग्स पे देख लो किस तरह से चल रहा है यार, दिल खुश कर दे रहा है। ये भी गया नहीं गया भाई साहब, किधर छिपा है? बर्फ़ का गोला यार ला दिया गर्मी के सीज़न में, इतना जल्दी बर्फ़ बना कैसे लेते। ये देखो घर बना रहे, ये मर भी नहीं रहे, गोली भी ख़त्म हो गई। ये लीजिए गोली ख़त्म होने का यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छा है। ले रामू खीर खा ले, अरे रामू बहुत सयाना है। ले गया, अपोजिट टीम भी बहुत ख़तरनाक प्ले कर रही है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में हम आ जाते हैं और आ जाते हैं हम ग्राफिक्स में। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे वेरी हाई पे है, आप इसमें मैक्स पे भी खेल सकते हैं ठीक है फ्रेम रेट पे, लेकिन ग्राफिक्स आपका चला जाएगा हाई पे। तो वेरी हाई पे जैसे कि आप प्ले करते हैं तो आपका फ्रेम रेट प्लस आपका ग्राफिक्स दोनों वेरी हाई पे रहेगा। कोई तो मिल जाओ यार, देख लिए बाहर जो है लड़ाई चालू हो गई है, बर्दाश्त हुआ नहीं किसी को, शायद फायरिंग चालू है बाहर में। मुझे भी कोई मिल जाओ यार, एकदम मक्खन जैसा चल रहा है। ये देखो ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी कर लो आप, लैगिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। नेटवर्क अच्छा रखना बस, कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क से भी जो है लोकेशन देखने के लिए मिलता है। मर जाए यार तू, बीच में आ जाता है बोलने के टाइम में, डरा देता है सामने से आके। गेमिंग तो अच्छा चल रहा है, कोई तो मारा है भैया, एनिमी डाउन। तो यहाँ पे जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखो आप, फिर कोई बुलाएगा मेरे को ऐसा तो लग रहा है। ले और कोई है क्या इधर? गेमिंग अच्छा चल रहा है। अरे एनिमी कॉन्टेक्ट हो गया, रुको। ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो फ्रेम रेट को जो है आप 90 FPS पे खेल सकते हैं इसमें, लेकिन यही है कि ग्राफिक्स को जो है आपको और लाइट पर रखना पड़ेगा। तो अल्ट्रा आप इसमें मैक्सिमम खेल सकते हैं ठीक है, जैसे फ्रेम रेट अल्ट्रा रहेगा आपका तो आप अल्ट्रा पे खेलेंगे। तो चलिए अल्ट्रा पे ही करके खेलते हैं क्योंकि ठीक रहेगा इतना हमारे हिसाब से, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर राउंड स्टार्ट हो चुका है और ग्राफिक्स देख लीजिए काफ़ी अच्छा आ रहा है, खूब स्टी निकल के आ रहा है ग्राफिक्स। और ये पहली शुरुआत ही बहुत बेकार रहा, 0 पे आउट हो गया। लीजिए और नीड हेल्प भैया करते थोड़ा सा आके। अरे मार क्यों रहा है यार, हमारा आदमी हम ही को मार रहा है। और हेलमेट भी है तो हाफ हेलमेट है यार, काम नहीं करता है मोटरसाइकिल पे भी इस पे भी।
यहाँ पे शायद दूसरे एरिया में से मारने से ठीक रहेगा, दिख भी नहीं रहे इधर में, सब एक ही जगह बैठे हुए हैं क्या भाई साहब? आगू पीछे राइट साइड सब साइड से यही लोग हैं कब्जा किए हुए पूरे ज़मीन को। कर जल्दी यार रिवाइव ले, बम मार दिया यार, उसको भी लंगड़ा कर दिया, हमको भी लंगड़ा कर दिया, दोनों आदमी को। बैठ, गेम ख़त्म। राउंड स्टार्ट है और ग्राफिक्स तो बहुत ज़बरदस्त है यार, इतना जल्दी कहाँ से मार रहा है यार। हेल्थ पूरा कम कर दिया, बम मार देते हैं। ले रामो लड्डू खा, हवा में उड़ गया यार, कैसा बम था। नहीं नहीं अभी उड़ा है, कहाँ दिख ही नहीं रहा यार, गोली भी ख़त्म हो जाएगा लग रहा है। अब वो मार रहा है तो मर जा रहा है, हम मार रहे हैं तो एक भी नहीं लग रहा है उसको। ऐसे गेम खेलेगा आदमी यार, मेरा दोस्त लोग भी अगल बगल में नहीं थे। अरे कौन है भाई? हेलो, अच्छा मेरा ही दोस्त है, हमको लगा कोई और होगा। विक्ट्री हो गया। तो ओवरऑल देखिए, अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 695 जो है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है गेमर्स के लिए, और 8 GB रैम के साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। फ्री फायर में ठीक ठाक चल जाता है, पबजी लाइट, पबजी न्यू स्टेट जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। रीज़न ये है कि बहुत सारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम है, पबजी न्यू स्टेट उतना अच्छे से डेवलप नहीं है, लेकिन BGMI बहुत जल्दी आने वाला है, तो BGMI आप इसमें काफ़ी आसानी से खेल सकते हैं। हीटिंग की बात करें तो इसमें नॉर्मल हीटिंग होते हैं, क्योंकि अभी मई महीना चल रहा है, आपको पता है मई और जून जो होता है सबसे, मतलब समझ लीजिए कि हेवी गर्मी वाला मौसम होता है, तो आप नॉर्मली इसमें अगर गेमिंग अगर करेंगे तो थोड़ा मोड़ा जिससे हीट होगा, नहीं तो अगर ठंडे के सीजन में करेंगे तो उतना हीटिंग आपको देखने के लिए इसमें नहीं मिलेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल टेक सिंपल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं यूट्यूब में, तब तक के लिए अलविदा।